हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो लिया था उसमें हमने सीखा था ठ। क्या सीखा था? ठ, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उसके पहले हमने सीखा था ट, उसके बाद ठ, और आज सीखेंगे ड। क्या सीखने वाले हैं? ड। पर उसके पहले हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए अपनी शब्द ज्ञान की बुक निकालिए और क से शुरू कीजिए। बोलिए, इन्हें कहते हैं स्वर, जो हमने ऑलरेडी सीखा है। प्लीज़, मैं जब भी आपको बोलूँ स्वर मुझे बोल के दिखाइए, आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ स्वर स्वर स्वर, और व्यंजन के बारे में भी बोलती हूँ। इन्हें कहते हैं व्यंजन, ठीक है। चलिए, क, ख, ग, घ, न, ण। फिर से क, ख, ग, घ, ण, ठीक है। टर्न कीजिए पेज को। च, छ, ज, झ, ञ। च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है। अभी पेज अपना टर्न कीजिए। क्या है ये, याद है आपको? जी, ये है ट। ट से टमाटर, ट से टब, ट से टोकरी। उसके बाद आता है ठ। ठ से ठप्पा, ठ से ठेला, ठ से ठठेरा। उसके बाद आ रहा है ड। ड से डफली, ड से डमरू, ड से डोली, ठीक है। फिर से एक बार, ड। ड से डफली, ड से डमरू, ड से डोली, ठीक है। अपनी जो बुक है मॉनसून की बुक, वो ओपन कीजिए पेज नंबर 87, पेज नंबर 87। चलिए हम लोग लर्न करेंगे ड, पेज नंबर 87, ठीक है। चलो, वहाँ पर आपको दिख रहे हैं ट्रेसिंग वाले ड। कौन से ड दिख रहे हैं आपको? ट्रेसिंग वाले ड, उन पर आपको ट्रेस करना है। मगर आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, जो हमने ण लिखा था, क्या लिखा था? ण, ठीक है। वो और ये ड सेम दिखते हैं, सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पर डॉट नहीं है, यहाँ पर डॉट नहीं है। वो ण को भूल जाओ, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना। मगर ये जो ड है, इससे वर्ड्स मतलब शब्द बनते हैं, इस ड से शब्द बनते हैं, ठीक है। प्लीज़ याद रखिए, वहाँ पर 87 जो पेज नंबर है, आपको वो सब ट्रेस करना है, ठीक है। मगर उसके बाद जो पेज है, पेज नंबर 88, उस पर सिर्फ आपको डॉट दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर डॉट दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है आपको, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन और ये एस, ठीक है। ये स्लीपिंग लाइन, ड, ड, ड से डफली, ड, ड से डफली, ड से डफली, ड से डमरू, ड से डमरू। फिर से एक बार, स्टैंडिंग लाइन और ये एस के जैसे लेते हैं, ड, ड से डफली, ड से डमरू, ड से डोली, ठीक है बच्चों। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। बाय बाय, सी यू, ठीक है।